वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों, एसएम इंक्यूबेटर्स में आपका स्वागत है। और आज हमारा 1201 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स पुणे के लिए डिस्पैच हो रहा है। तो कस्टमर हमारे पास आज आए हैं मशीन लेने के लिए। उनका यह था कि हम आपके पास आएंगे और सीखेंगे कि इंक्यूबेटर्स कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ऑपरेट करना है, हमें कैसे मुर्गी पालन करना है। तो आज सर हमारे पास आए तो हम सर से जान लेते हैं, सर आपने बुकिंग कब किया था, कैसा लगा था, आप इस लाइन में कब से है और कब फार्म कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम फार्म में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सर से बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो सर आपका नाम बताइए और आप इस बिजनेस में कब से काम कर रहे हैं। मेरा नाम है संदीप कनेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं पुणे से आया हूँ। हाँ। और ये बिजनेस में कम से कम मैं एक साल से ऊपर से हूँ। अभी मेरे पास 700 बर्ड्स का पेरेंट्स का स्टॉक है, जिसमें से 400 बर्ड्स पेरेंट्स हैं और 300 छोटे बच्चे हैं, छोटे चिक्स है मेरे पास अभी। तो मुझे बिजनेस ग्रो करना था, तो नेचुरली ग्रोइंग करने से रिजल्ट कम आ रहा है, इसके लिए मैंने मशीन चूज किया है। अभी आप जो नेचुरली जो कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा तो नेचुरली में आपको रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, तो उसके लिए आपने इंक्यूबेटर्स लगाने का सोचा। तो आपने इंक्यूबेटर्स लगाने के लिए हमें कहाँ सर्च किया हमारे पास? मैं दो तीन बार बहुत दिनों से सर्च कर रहा था, एक साल से मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे वैसे मैं ऑनलाइन पे था। हाँ। मार्केट में भी एसएम इंक्यूबेटर का नाम है। हाँ। मैं खाली नाम से नहीं आया हूँ। हाँ। मार्केट में एसएम इंक्यूबेटर का जो मशीन है। हाँ। वो कैसे वर्किंग करता है, उसका मटेरियल कैसा है, कौन से रिले यूज करते हैं। हाँ। उसका ह्यूमिडिटी जनरेट करने का तरीका कौन सा है, उसके ऊपर मैंने सब सर्चिंग करके ही मैंने ये मशीन सिलेक्ट किया है। और पूरा यहाँ पे आके मैंने देखा इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा उसका बॉडी कैसे बना है, पैनल कौन सा है, उसका जो कंट्रोलर है वो कैसा है, वो कैसे वर्किंग कर रहा है, उसका फैन कैसे वर्किंग कर रहे हैं, वो सब देख के ही मैंने मशीन लिया है। अच्छा, आप कौन से ब्रीड में अभी काम कर रहे हो? मैं प्योर देसी में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्योर देसी मतलब आपको जानते ही होंगे, जो प्योर देसी कहीं मीनार कहीं नाटीकोड़ी जवारी के नाम से जानी जाती है, वही ब्रीड को प्योर देसी कहा जाता है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत ट्रेंडिंग है और सर पुणे से है। तो सर आपका प्रोफेशन बताइए, आप क्या लाइन में काम करते हैं? मैं पहले मेरा दो प्रोफेशन है अभी। ये तो मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ है। हाँ। तो मेरा वो एमएससीबीसी का मैं काम करता हूँ उसमें। हाँ। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग लेता हूँ। हाँ। प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ मैं। हाँ। तो वो करते करते मैंने ये भी अभी स्टार्ट किया है। आप ये बिजनेस में कैसे आए, पोल्ट्री बिजनेस में? उसमें क्या था कि मुझे काम करने में मैन पावर का प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैन के ऊपर मेरा जो काम है वो सब लेबर के ऊपर डिपेंड है। अगर लेबर काम करेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा। ये था, इसके लिए मैंने इधर डाइवर्ट किया। आपको क्या लगता है ये देसी मुर्गी पालन में आपको फायदा है? फायदा है। अच्छा, फायदा है। जब मैं एक साल से काम कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर फोकस करके काम किया है। जैसे जैसे स्टेजेस है मुर्गी के, जैसे स्टेजेस है, उसके स्टेजेस के ऊपर काम करने से फायदा है। अच्छा, आपने कितने बार ट्रेनिंग लिया है? मैंने दो बार ट्रेनिंग लिया है। अच्छा, और देखने गए तो सर इस लाइन में अच्छा डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने अभी 1200 का मशीन लेके स्टार्ट कर रहे हैं। और सर मुझे बताइए, एक दिन का चूजा आप क्या रुपए से सेल करते हैं? एक दिन का मुझे कैसा है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। जैसा मेरा क्लाइंट है सामने वाला, मैं उसको कमाने से ज्यादा मेरे साथ कोऑपरेटिव करके काम करेगा, मुझे बिजनेस बढ़ाना है। अभी जो काम करे मैं रेट अभी नहीं बताऊंगा। हाँ। जैसा क्वांटिटी रहेगा, जैसा ऑर्डर रहेगा, उसके ऊपर रेट करेंगे। हाँ। अच्छा, और आपको कैसा रिव्यू था, मतलब एसएम इंक्यूबेटर्स का मशीन आप देखेंगे तो दोस्तों डिस्पैच होने जा रहा है, तो देखेंगे तो ये सर का आज मशीन, अभी गाड़ी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं अभी पुणे के लिए गाड़ी जा रही है। और सर खास हमारे यहाँ 250 किलोमीटर का ट्रैवल करके हमारे पास आए और अभी मशीन लेके जा रहे हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है आज मशीन लेके जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा एक और एक स्टेप बढ़ गया बिजनेस में। अच्छा। एक नया शुरुआत जो मैंने किया है। हाँ। उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा मतलब इसमें और कुछ आपको हमारे लिए कुछ सजेशन होगा कि इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए तो आप जरूर बताइएगा हमें। अभी तो मशीन का अभी तो मैंने लिया है, मैं सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैंने मशीन ऑर्डर किया। अच्छा, जैसे वर्किंग करूंगा उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। अभी तो टेक्निकली मशीन है बिल्कुल फिट। अच्छा, तो दोस्तों उसके साथ देखते हैं, सर को मैं भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे आइए देखते हैं। ये 1200 का मशीन है जो सर ने लिया हुआ है। इस मशीन के लिए आपको पर डे के ओनली फॉर 60 एग चाहिए। सर के पास 60 एग आ रहे हैं तभी सर ने अभी ये 1200 का मशीन लिया है। और 1200 के मशीन के लिए आपने कितने पेरेंट्स रखे हैं बताइए? मैंने 400 पेरेंट्स रखे हुए। अच्छा, तो इन्होंने 400 पेरेंट्स रखे हैं फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन 1200 के मशीन के लिए आप प्योर देसी का काम करते हैं तो आपके पास खाली 60 एग्स दिन के होने चाहिए और पेरेंट्स आपके पास 200
होने चाहिए। और उसके साथ साथ इस मशीन में आपको वीकली एग्स लगाना है, हर हफ्ते में आपको 408 एग्स लगाना है। आप महीने में 1600 एग्स लगाते हो और 80% रिजल्ट बोलोगे, 1200 चूजे आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आप इस मशीन को चला सकते हैं। इस मशीन से सर ये खास बात है कि आप एवरी वीक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब आज आपने लगाया, उसको नेक्स्ट वीक लगाया एग्स, मतलब आज 408 एग्स लगाया, नेक्स्ट वीक 408 लगाया, थर्ड वीक 408 लगाया, और फोर्थ वीक के बाद आपका नीचे हैचिंग के लिए गया, तो वो एवरी वीक आपका 21 डेज का साइकिल चलेगा और एवरी वीक आपका प्रोडक्शन रहेगा। और किसान के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि एवरी वीक में उनके पास पैसे वो खेलते रहेंगे, एवरी वीक आपका कैलकुलेशंस आते रहेगा, आपका इकोनॉमी एवरी वीक रोटेट होगा, तो इस हिसाब से किसान बहुत आगे जा सकता है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स है जो सोनाली डीपी कावेरी ये जो ब्रीड्स है, जो हाइब्रिड ब्रीड्स है, उनमें भी काम करते हैं। तो उनमें जो काम करते हैं उनके लिए ये खास बात है कि उनको क्या करना है, उनको तो 200 मुर्गी पालने की भी जरूरत नहीं, वो 100 बर्ड्स पे ही उतना एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान देना है, एग्स आपको दिन के खाली 60 इस मशीन के लिए चाहिए। बाकी ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आप देख सकते हैं पूरा थिन फिल्म रैप हो गया है। अभी ये गाड़ी में ही डलने जा रहा है, तो उसके पहले हमने सोचा है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूं, ताकि कस्टमर्स का भी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था वो आपके लिए लिया हूं। और सर से कॉन्टैक्ट करना है तो सर का नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे जान सकते हैं कैसा कर रहे हैं। और सर हमारे पास कोई आपका व्यूवर्स आता है तो उनको बहुत अच्छे से गाइड कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये होता है कि हम डेवलपमेंट्स में काम करते हैं, किसान को डेवलप करते हैं, किसान डेवलप होगा तो ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। हाँ, तो इस हिसाब से हमने पूरा डेवलप किया है। तो आज था सर का डिस्पैच, हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास किया है दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ और नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।